चर्चा में आए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वीआरएस यानी मर्जी से रिटायरमेंट लेकर सबको चौंका दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू के टिकट पर बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। भी इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन सियासत में जाने से इनकार भी नहीं किया। रात में सेवानिवृत्ति, मतलब ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। मैं क्या करूंगा, देखिए मैं अभी 5 बजे सुबह में सोया हूँ। बक्सर के लोग आ रहे हैं, अभी हजारों की संख्या में आ रहे हैं, और बेगूसराय से लोग आ रहे हैं, जहानाबाद से लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, लाखों लोगों से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 50,000-25,000 लोगों से मैं सीधा नहीं, उनसे बात करूंगा कि मेरी सेवा किस रूप में चाहते हैं। उनसे बात करके फिर मैं तय करूंगा कि मुझे। गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस को सरकार ने तुरंत मंजूरी दे दी। पूर्व डीजीपी के पास चुनाव से पहले पद छोड़ने की ठोस दलील थी। कहा कि पिछले कुछ महीने से उनको खास पार्टी का करीबी बताया जा रहा था, चुनाव में उंगली न उठे इसीलिए वीआरएस ले लिया। कोई भी आदमी बता दे कि कहीं भी मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति को या किसी दल विशेष को लाभ पहुँचाने की कोशिश की या नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। आज तक किसी भी दल के, किसी भी स्तर के, किसी भी नेता ने मेरी निष्पक्षता पर उंगली नहीं उठाई। वीआरएस लेने के बाद जब गुप्तेश्वर पांडे मीडिया से मिले तो उनके गले में पड़ा भगवा गमछा उनके सियासी पसंद का संकेत दे गया। सवाल उठे कि सुशांत केस में निभाई गई उनकी भूमिका क्या सियासी पारी की प्रस्तावना थी, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने सफाई दी कि डीजीपी रहते हुए जो करना चाहिए था किया, उसका सुशांत से लेना देना नहीं है। इस सुशांत के केस से मेरे वीआरएस का कोई लेना देना नहीं। मैं इसका बिल्कुल तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। सुशांत के साथ जो भी मुंबई में हुआ और उसका बूढ़ा बीमार लाचार बाप यहां रहता है, और मैंने उस हताश निराश बूढ़े बाप जो मुंबई पुलिस के अनुसंधान से बिल्कुल ही हताश था, निराश था, और उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी, वो मेरे यहाँ आता है, और यहाँ बिहार पुलिस ने जो एफआईआर किया, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर ठप्पा लगा दिया है कि वो काम बिल्कुल संवैधानिक था, कानूनी था, उसमें कोई गलत काम बिहार पुलिस ने नहीं किया। बिहार में गुप्तेश्वर पांडे की छवि एक दमदार पुलिस अफसर की रही है। सुशांत केस ने उनकी लोकप्रियता और बढ़ा दी है। जैसा कि चर्चा है, अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो जातीय समीकरण के हिसाब से भी फायदेमंद साबित होंगे। उधर गुप्तेश्वर पांडे ने पद छोड़ा, इधर उनका एक वीडियो चर्चा में आ गया है जिसमें उन्हें बिहार के रॉबिनहुड पांडे के तौर पर पेश किया गया है। डीजीपी के तौर पर उनका गुणगान किया गया। माना जा रहा है कि बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर का बनाया वीडियो गुप्तेश्वर पांडे की सियासी पारी का स्वागत गान, क्योंकि वीडियो में डीजीपी पांडे को किसी फिल्मी हीरो की तरह एक्शन में दिखाया गया है। बिग बॉस में प्रतियोगी रहे दीपक ठाकुर ने इस गाने को लिखा है और गाया है। वीडियो में पुलिस अफसर के तौर पर गुप्तेश्वर पांडे की उपलब्धियों का जिक्र है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रॉबिनहुड बिहार के, लेकिन खास बात है कि वीडियो में सुशांत केस का भी जिक्र है और इसमें गुप्तेश्वर पांडे की अहम भूमिका भी बताई गई है। की आवाज बन के आगे आए डीजीपी, इन्हें दुत्कारा गया, दुत्कारा गया, सीबीआई जांच तक पहुंचाया सर ने केस को। बिहार चुनाव में सुशांत केस एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा गाने में इसका इस्तेमाल भी एक सियासी संदेश हो सकता है। बहरहाल गुप्तेश्वर पांडे ने इस वीडियो को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो कोई एक लड़का है जो बिग बॉस में गया था, वहाँ का स्टार है, और उसने अपने अपने स्तर से वो बनाया। लेकिन चर्चा है कि चुनावी मैदान में अगर गुप्तेश्वर पांडे की एंट्री होती है तो ये वीडियो उनके लिए बड़ा कारगर साबित होगा।